भारत एक के बाद एक लगातार सैन्य कारनामों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के इरादों को निस्तेनाबूद करने के साथ ही म्यांमार में पल रहे सांपों के फन कुचलने में भी भारत कामयाब रहा है। भारत और म्यांमार सेनाओं ने एक संयुक्त सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सीमा पर मौजूद उग्रवादी कैंपों को खाक कर दिया। साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों ने भाग रहे उग्रवादियों को पकड़ लिया। सेना ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन सनशाइन 2। ये सैन्य कार्रवाई मई 16 से 8 जून के बीच हुई, जिसे उत्तर पूर्व में उग्रवादियों के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की 2 बटालियन शामिल थी। इसके अलावा स्पेशल फोर्स और असम राइफल्स के जवान शामिल थे। वहीं क्लियरेंस कार्रवाई को म्यांमार सेना के 4 ब्रिगेड ने अंजाम दिया। यह ऑपरेशन सनशाइन 1 का फॉलो अप था, जिसे कि 22 से 26 फरवरी के बीच अंजाम दिया गया था। उस दौरान भारतीय सेना ने भारत की धरती पर मौजूद संदिग्ध आर्केनिज विद्रोही कैंपों के खिलाफ कार्रवाई की। भाग रहे आर्केनिज विद्रोहियों को म्यांमार सेना ने पकड़ लिया था। इस संयुक्त अभियान को सफल बताते हुए एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि ऑपरेशन को सैन्य स्तर पर कोऑर्डिनेट किया गया था। ये ऑपरेशन सनशाइन 1 में दोनों सेनाओं के बीच पैदा हुए विश्वास के कारण संभव हो पाया। दरअसल भारत और म्यांमार सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो पूर्वोत्तर के देशों से भारत के व्यापार को मजबूती देगा। खुफिया एजेंसियों ने कई बार सड़क निर्माण के कार्य में लगे लोगों पर संभावित आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऑपरेशन सनशाइन 2 में भारतीय सेना ने जिन 70 से 80 उग्रवादियों को पकड़ा है, उन्हें भारतीय पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं करीब 7 से 8 कैंपों को म्यांमार सेना ने मोर्टार फायरिंग में नष्ट कर दिया। ज्यादातर कैंप हुकायक में मौजूद थे और मुख्य रूप से NSCN के और नागा विद्रोही समूह के थे।